लंदन में जो लोग रहते हैं उनके साथ घटने वाली एक कहानी है जिसमें कुछ हिंदुस्तानी भी इन्वॉल्व है। हेलो एंड वेलकम। मैं हूं पराग छापेकर और इस समय मेरे साथ मेरे बहुत ही पुराने दोस्त जो जीवन में नहीं मिलते हैं ऐसे आते जाते लेकिन आज ऑनलाइन मिल गए हैं, गोपाल दत्त। गोपाल दत्त जो है एक बहुत ही कमाल की सीरीज में आ रहे हैं, आपने इनको कई सारे इसमें देखा है, तो जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो करने जा रहे हैं, क्या गिरा रहे हैं, क्या बना रहे हैं, कुछ समझ नहीं आया, किस तरह का किरदार है ये। ये आपने पहला ही सवाल थोड़ा कठिन पूछ लिया है क्योंकि ये मतलब इसीलिए शायद उतना आप ट्रेलर में और इसमें भी नहीं देख रहे क्योंकि ये एक तरह का सीक्रेट है जो सीरीज देखने पे ही आपको पता चलेगा। तो है बट इतना मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और जैसा कि आपको ट्रेलर से ही पता चला होगा अलग तरह का शो है एक, मतलब कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ बट थोड़ा लंदन और उसका जो आज नॉर्मली क्या होता है हम लंदन बहुत ही टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ना अपनी सीरीज अपनी फिल्मों में, इसमें वो कहानी का इंटीग्रल पार्ट है। तो बड़ा मजेदार और अच्छी राइटिंग और अच्छा किरदार है लेकिन वही है क्योंकि क्योंकि सीरीज में भी बहुत बाद में पता चलता है कि क्या होने वाला है क्या करने वाला है तो वो थोड़ा सा उससे बचते हुए जितना मैं आपको बता पाऊंगा कोशिश करता हूँ मतलब मैं भी जब ट्रेलर देख रहा था मुझे मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मैं एक हॉरर सीरीज देखने जा रहा हूँ या थ्रिलर सीरीज देखने जा रहा हूँ, एग्जैक्टली व्हाट, क्योंकि ये बड़ा सा एक ब्लेंड सा लग रहा है इन दोनों के बीच का। हाँ तो थोड़ा मतलब हिंदी में कहूँ तो रहस्य तो है इसमें, अब किस तरह के रहस्य हैं वो देखने पे ही पता चलेगा और बहुत दिन है नहीं, अब जल्दी 21 तारीख को पता चलेंगे क्या रहस्य है। ये इस तरह के जो सब्जेक्ट होते हैं वो एक्टर्स के इंटरव्यू के लिए बड़ा टेस्टिंग टाइम होता है। करेक्ट जैसे मैं आपको बोलूं पराग भाई मुझे ब्रीफिंग भी नहीं है कि क्या बोलना है क्या नहीं है, नहीं तो नॉर्मली एक ब्रीफिंग होती है तो मुझे पता ही नहीं अभी कितना मैं आपको बता सकता हूँ और कितना नहीं बता सकता मैं आपको धर्म संकट में नहीं डालूंगा लेकिन मतलब अर्जुन रामपाल जो जिनको मतलब उन्होंने बड़े कमाल कमाल से किरदार भी किए हैं और आप जी अपने आप में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बड़े प्रतिभाशाली स्टूडेंट रहे हैं, तब से आपने बहुत बेहतरीन बेहतरीन काम किए हैं। किस तरह का कॉम्बिनेशन है ये पूरा जो स्टारकास्ट की बात कहें। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पूरब कोहली है और अर्जुन है और बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है मेरे लिए भी बड़ा क्योंकि मैंने उनके साथ पहले काम नहीं किया था और मतलब मुझे उनके साथ काम करके एक मैजिक पता चला कि जैसे आप उनको नॉर्मल देखो तो आपको लगता है हाँ ठीक है एक हैंडसम आदमी बट जब आप उन्हीं को उसी समय फ्रेम में देखो ना मैजिक है वो कि वो फ्रेम में ही इज सो हैंडसम, फ्रेम में वो बदल जाते हैं, मतलब वैसे भी वो हैंडसम आदमी है बट फ्रेम में आप देखते हो तो कुछ और ही जादू है। तो और मतलब हम लोगों का इंटरेक्शन उस तरह से बहुत नहीं है सीरीज में लेकिन जितना भी हुआ वो बहुत मजेदार था, मतलब काफी अच्छा रहा उनके साथ काम करना। मतलब अर्जुन एक बड़े व्यक्तिगत जीवन में भी बड़े मतलब इंटरेस्टिंग इंसान है, उनसे बातचीत करना बड़ा अलग ही मस्त मौला जीव है वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सो अब ये जो थ्रिलर है इसके बारे में तो अभी जब ये रिलीज होगा तभी हम डिटेल में जान पाएंगे, अभी आप बताने के लिए तैयार नहीं है, आपको पता नहीं है कि क्या बताना है, लेकिन हाँ ये पूरा परिवेश जो है दर्शक क्या पॉइंट ऑफ व्यू से इस फिल्म को देखे, इस सीरीज को देखे, क्या वो उनके जहन में रख के देखे कि यार मैं ये कुछ देखने जा रहा हूं। तो एक मतलब कुछ हिंदुस्तानी और उनकी लंदन में क्या, नॉट जस्ट हिंदुस्तानी बट लंदन में जो लोग रहते हैं उनके साथ घटने वाली एक कहानी है जिसमें कुछ हिंदुस्तानी भी इन्वॉल्व है तो उस तरह से देखा जाए और एक एक इंटरेस्टिंग एक ग्रिपिंग एक इंट्रीग वाली कहानी के तौर पे देखेंगे लोग और मुझे उम्मीद है कि वो पहला एपिसोड और कुछ सीन जो सेटअप सीन्स हैं
वो ही आई थिंक आपको कैप्चर कर लेंगे, और फिर मुझे लगता है कि जो भी देखेगा वो पूरी सीरीज खत्म करेगा, और जब वो करेगा तो उसको सारे सवालों के जवाब मिल ही जाएंगे। बट जनरली मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी गोपाल, तो लोगों ने जब ऐसी बात हुई लंदन फाइल्स खुले यार, मतलब कश्मीर फाइल्स आई, दिल्ली फाइल्स आ सकती, और भाई लंदन फाइल्स में क्या है, मतलब क्यों आ रही, क्या है इसमें, लंदन में क्या जुड़ा हुआ है हमारा? तो इतना तो मैं कह सकता हूँ कि ये प्योरली फिक्शनल स्टोरी है, इसमें कुछ ट्रूथ का कोई किसी सत्य घटना पर आधारित नहीं है, प्योर फिक्शन है, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंट्रीगिंग फिक्शन है। गोपाल आपने मतलब कई सारे AIB से लगाकर कई सारी इस पे आपने कमाल की कॉमेडी भी की है, आपका टाइमिंग बड़ा जबरदस्त है, कई सारे हमने आपके वीडियोस देखे हुए हैं। ये कैरेक्टर बिल्कुल अलग तरह का किरदार है, जो मुझे नहीं लगता कि आपने, मुझे लगता है जी भाई कि एक और एक कोई सीरीज में आपने गंभीरता ओढ़ी, ये कैरेक्टर उस डायमेंशन में बिल्कुल अलग है। तो किस तरह किरदार आप करने में रुचि रखते हैं, किस तरह का किरदार आपको इम्प्रेस करते हैं? तो देखिए, हर एक्टर की इच्छा होती है कि अलग अलग तरह के किरदार वो ट्राई करे, और फिर उसमें भले ही फेल हो या पास हो, मतलब उसको ट्राई तो करना होता है, और ये बिल्कुल ही अलग था। जैसा आपने कहा, ये बिल्कुल ही जो अभी तक मैंने जो कैरेक्टर्स किए हैं उससे बिल्कुल अलग है, और इसका फिलॉसफी, इसका लुक, इसका सब कुछ, इसके आइडियाज बिल्कुल अलग हैं। तो वो एज एन एक्टर मेरे लिए बड़ा ही एक्साइटिंग और चैलेंजिंग दोनों ही था, और जार पिक्चर्स का मैं बहुत बहुत ऐसा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ट्रस्ट किया कि मैं ये कर सकता हूँ, और सचिन जो इसके डायरेक्टर हैं वो बहुत बहुत अच्छे से, उन्होंने वो बहुत अच्छा शूट करते हैं और बहुत टाइम लगा के, क्योंकि बहुत ट्रीटमेंट वाला और बहुत बहुत सारा ट्रीटमेंट है, और अलग तरह का एक वर्ल्ड है जिस इस कैरेक्टर का, तो वो उसको शूट करना थोड़ा अलग खेल था। और हम लोकेशंस भी बड़ी इंटरेस्टिंग है जहाँ ये शूट किया है। इतना तो मैं आपको बता सकता हूँ कि हमने एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बंकर था, उसके अंदर जाके शूट किया लंदन में, और मतलब वो ऊपर से आपको लगेगा कि घास का मैदान है, लेकिन नीचे आप जाएंगे तो वो पूरा, उसमें करीब 5,000 लोग आ सकते हैं जमीन के नीचे उस बंकर में। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम का वो बंकर था, वहां हमने शूट किया। तो वो वहां जब हम घुसे तो एकदम समझ आ गया कि ये कैरेक्टर क्या है और इसका वर्ल्ड क्या है। तो बहुत ही मजेदार शूट भी किया, और बहुत मजेदार कैरेक्टर है भी मेरे लिए एज एन एक्टर। जब ये सीरीज सामने आएगी तभी समझ में आएगा कि क्या आपको तोड़ना है और क्या नया बनाना है। हाँ, और तभी मैं क्या बोल रहा हूँ तभी शायद आपको समझ भी आएगा कि क्या बोल रहा है क्या। बट अनफॉर्चुनेटली आई थिंक अभी बहुत नहीं बता सकते, एक बार सीरीज रिलीज हो जाए उसके बाद दोबारा बात करने का मौका मिलेगा तो मैं बहुत सारी डिटेल्स आपको दूंगा। सीरीज के बाद आप मतलब इतने सालों में ये हमारा पहला इंटरव्यू हो रहा है, अब आपको छोड़ूंगा नहीं मैं। बिल्कुल, मैं तो आपसे, हम तो पुराने दोस्त से घंटों बात कर सकते हैं हम लोग। यस, चलिए होती है मुलाकात जल्दी, और ऐसे भी मुलाकात कीजिए डिजिटल के अलावा। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक और गॉड ब्लेस। थैंक यू, थैंक यू पराग भाई, थैंक यू।